सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए, कि बिहार को लेके जो गंदगी है ना भाई, वो निकाल के रहना। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मैं जत प्रभजोत और बाबू भैया पे उछलता हूँ। रात भर बिना खाए पिए जब बाबू भैया को यहाँ रोके थे ना भाई, उनको स्कॉर्ट कर रहे थे, मेरा भाई इतना ज्यादा डिहाइड्रेट हो गया था, तो भाई उल्टिया होने लग गया था। तो आगे से भाई देख सकते हो पूरा 6 आर वाला व्यू है। समोसा मार के यहाँ से काफी सारे लोग देखते हैं, बच्चा कहेंगे पूरा यार ये देखो, इतना तो बच्चों में काफी ज्यादा क्रेज बढ़ रहा है यार। फ्यूल जो लोग रखते हैं नॉर्मल फ्यूल ही रखते हैं, लेकिन प्रीमियम बोल के जो है ना, ये लोग प्रीमियम बोल के फ्यूल नॉर्मल फ्यूल दे देते हैं। तो यार फिर एक नया दिन और फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। आजकल भाई ब्लॉग एकदम टाइम पे आ रहा है, मतलब कि हफ्ते में 3-4 वीडियो तो अभी डाल ही रहे हैं, और आप लोगों का प्यार भी अच्छा, मतलब रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है आप लोगों का। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं छातापुर के साइड, और वहां से काफी सारे सब्सक्राइबर भी मुझे मैसेज करते हैं, नरपतगंज से मैसेज करते हैं भैया आइए तो बताइए। रास्ते में जो भी सब्सक्राइबर मिलेंगे भाई उनसे मिलेंगे, और मिल के अच्छा लगता है यार। आप लोग मतलब आप लोग रोड पे देखा करो ना भाई, तो बिल्कुल मिला करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे भी अच्छा लगता है कि नहीं चलो अपनी फैमिली के मेंबर मिल रहे हैं, और मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। लोग बताते हैं ना कि वीडियो आप अच्छा बना रहे हैं, तो भाई मतलब दिल से अच्छा लगता है। और अभी मॉर्निंग में 3-4 बच्चे आए थे, स्कूल के बच्चे आए थे मेरे से मिलने के लिए, तो उस टाइम तो हम मतलब सो के ही जगे थे, तो उसको व्लॉग में नहीं ले पाए। बाकी वो बच्चे लोग कह रहे थे भैया शाम में आएंगे मोबाइल लेके, तो सेल्फी वेल्फी लेंगे आपके साथ में। आजकल भाई पेट्रोल पंप है ना, गजब का स्कैम हो रहा है। मतलब आप जाओगे पेट्रोल डलवाने के लिए बाइक में, तो बोलेंगे कि नॉर्मल तेल नहीं है, प्रीमियम है बस। ये सब भाई मतलब कमाने का जरिया है। फ्यूल जो लोग रखते हैं नॉर्मल फ्यूल ही रखते हैं, लेकिन प्रीमियम बोल के जो है ना, ये लोग प्रीमियम बोल के फ्यूल नॉर्मल फ्यूल दे देते हैं। सारा स्कैम है भाई, सारा स्कैम है साला। ये सब बाइक में प्रीमियम डलवा क्या करेंगे भाई, सुपर बाइक है क्या? मधेपुरा पूर्णिया सहरसा कहीं भी भाई KTM का जो सर्विस है ना बिल्कुल भी सही नहीं है। सारे के सारे लोग भाई फॉरबिसगंज ही आते हैं, KTM का सर्विस यहाँ पे काफी अच्छा है। गाइस फिलहाल ये जो अपना NH57 है ना, ये भाई एक्सप्रेसवे बनने वाला है गोरखपुर से सिलीगुड़ी के लिए भाई। ये जो रोड है ना भाई एक्सप्रेसवे बनने वाला है, और काम अभी स्टार्ट हो गया है, और कुछ ही दिनों में भाई ये रोड और भी ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। मतलब ये जो आप एरो देख रहे हो ना बीच का भाई, ये दो दो हो जाएगा, मतलब रोड काफ़ी चौड़ा हो जाएगा। फिर जो मज़ा आएगा ना इस रोड पे बाइक चलाने में भाई, वो एकदम नेक्स्ट लेवल का होगा यार। अभी वैसे काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट है, टाइम तो लगेगा ही, 2-3 साल तो मैक्सिमम इसमें लगेगा ही। बस ये पूरा वीडियो देखते हो, छातापुर से भी बहुत सारे लोग देखते हैं। ये भी भाई अभी मिले हैं, ये कह रहे हैं कि भाई आपका सारा वीडियो देखते हैं। नहीं नहीं बर्थडे वाला नहीं, ये वाला सेलिब्रेशन ठीक है। तो कांग्रेचुलेशन लिखे हैं। अच्छा लिखा है तुम, अरे वाह जी वाह, ये सुपर एक्टिव बंदा है अपना। बैठो फोटो खींच देते हैं। नहीं सर के साथ। अच्छा सर, सर एक साथ। क्या नाम है बता दो? क्या नाम है तुम्हारा? अनिकेत। अच्छा अच्छा चलो पूरा वीडियो देखते हो, ऐसे ही देखना और शेयर करना है ठीक है। हालांकि हम अनाउंसमेंट कर दिए थे अपनी स्टोरी पे कि जो लोग हैं छातापुर से और नरपतगंज के साइड से, वो लोग मतलब स्टोरी लगा दिए थे हम, और रास्ते में जो लोग मिलेंगे मिलेंगे, सबसे मिलेंगे भाई। और मुझे भी अच्छा लगता है जब हमारे फैमिली मेम्बर मिलते हैं ना। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ भाई, भाई मुझे मैसेज आ रहा है इंस्टाग्राम पे कि कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं हाईवे पे, तो चलिए देखते हैं हाईवे पे कहाँ मिलते हैं वो लोग। फिलहाल मौसम भाई एकदम लग रहा है बेईमान हो रहा है, मौसम ख़राब होने वाला है, ऐसा ना हो जाए भाई बारिश हो जाए। बस जल्दी जल्दी घर पहुंच जाए भाई, बारिश ना मिल जाए रास्ते में यार। इतना ज़्यादा प्यार मिलता है ना भाई, मुझे लगता है कि एक दिन भाई ग्रैंड वाला मीटअप हो जाएगा। और काफ़ी मतलब हमारे लोकल ना, हमारे मतलब फॉरबिसगंज के 200-300 किलोमीटर के आसपास में काफ़ी सब्सक्राइबर है अपने। अरे भाई साहब क्या हाल है, वाह सब देखते हो। अच्छा अभी हेलमेट खोलेंगे फिर लेंगे है ना, तुम लोग सब वीडियो देखते हो ना। अरे गजब भाई, तुम तो पान खा रहा है। इधर 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 आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या खा रहे हो? मधु। अरे भाई मत खाओ, अभी सही मत खाओ यार, गलत बात है। और चलिए इन लोगों के साथ में फोटो वोटो क्लिक करवाते हैं भाई, ये अपने फैमिली मेंबर है। इसकी मतलब बाइक देखे 2-3 बार इस रास्ते में देखे, बट रुके नहीं हम। अरे कोई बात नहीं, मिलो तो भाई रुकवा लिया गए। और अभी फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं नरपतगंज, और यहाँ से काफी सारे लोग देखते हैं, बच्चा कहेंगे पूरा यार ये देखो, सब वीडियो देखते हो तुम लोग। हाँ,
पूरा लाइक करना है, शेयर करना है ना भाई। अपना तो बच्चों में काफी ज्यादा क्रेज बढ़ रहा है यार, ऐसे शेयर करो ठीक है, ऐसे वीडियो देखो। और तुम पान कम खाओ, अभी से ही पान खा रहे हैं। विमल विमल खाते हैं पान। अरे भाई बोलो जुबा केसरी केसरी में गुटखा मिला हुआ है। देख लो भाई मेरे जाने उसको मारना मत ठीक है, लग तो ऐसा रहा कि मारेगा पक्का ही। अभी कहाँ से आ रहे भाई? अभी तो हम लोग आ रहे हैं छातापुर के साइड। ये हम लोग के महताब है, बहुत अच्छे भी हम लोग के है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है? महताब नाम है। कॉलेज के पास का जो वीडियो होता है ना वो हम कुछ ज्यादा देखते हैं। अच्छा, ये बंदा पूरा वीडियो देखता है भाई, ये पक्का वाला सब्सक्राइबर है अपना कसम से। वो सब वीडियो देखने में मजा आता है। सही है भाई, सही है। भाई ये लोग थे अपने सब्सक्राइबर, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर। अभी और भी लोग क्रेज है भाई, मतलब समझ में नहीं आ रहा यार। और एक बात यार, हम लोग का सबसे भयंकर दशहरा होता। अच्छा हां भाई, आपको दशहरा आना पड़ेगा। अच्छा जरूर जरूर, बिल्कुल इनवाइट करोगे तो बिल्कुल आएंगे। देखो देखो कौन आया भाई, पूरा एकदम सपाचट लग रहा था। क्या बात है डॉक्टर साहब, हमारे जवान लग रहा भैया, पूरा जवान लग रहा भाई, कसम से लग रहा 14 साल का लड़का है, कसम से कह रहे नहीं नहीं सही है सही है सही है भाई, एक नंबर लग रहा है भाई। मेडिकल फील्ड में ऐसे ही होता है, एग्जाम के वक्त में भाई क्लीन सेव करना ही पड़ेगा आपको, है ना। ब्रेड पकड़ा खाओ, ब्रेड पकड़ा खाओ, हम तो भुजा खाएंगे समोसा मार के। समोसा मार के समोसा डाल के भुजा। डॉक्टर साहब को यार मतलब पब्लिक बहुत मिस कर रहा था तुम्हारा, लेकिन आ गए फाइनली डॉक्टर साहब। समोसा खिलाइए भाई, समोसा डाल के भुजा मारो, भुजा मारो झारखंडी बाबा। भाई ये आ गया है छाल मुड़ी अपना बिहार वाला भाई, है ना। भुजा भुजा विद समोसा, भुजा विद समोसा। तो भाई अभी आए हैं डॉक्टर साहब के घर, और भाई साहब डॉक्टर साहब के बाइक का चैन देखो आप लोग। ये अभी हम लोग मिलके तीनों आदमी भाई मिलकर बहुत मेहनत से साफ किए हैं, बहुत मेहनत लगा भाई। और ये देखो भाई निंजा 400, बाकी निंजा पे भाई वीडियो आने वाला है। भाई निंजा आया है काफी दिनों के बाद, तो भाई इसका आवाज सुनाते हैं आप लोगों को। और इसमें लगा हुआ है एक्रापोविक, आगे से भाई देख सकते हो पूरा 6R वाला व्यू है, और न्यूट्रल है। सुन लो भाई, ये देखो भाई एग्जॉस्ट, बस 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 भाई तेरा पड़ोसी जग जाएगा कसम से। फिर से भाई निंजा पे बहुत सारा वीडियो आने वाला है, तो आप लोग जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और 300 वर्सेस 400 का भाई वीडियो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं फिलहाल, मतलब शूट करने का। अभी थोड़ी देर पहले मैं इंस्टाग्राम लाइव था, तो एक बंदा कहता है कि भाई जत प्रभजोत और बाबू भैया के ऊपर कितना उछलोगे, खुद का तो ऑडियंस नहीं है। मैं उनको ये कहना चाहूँगा, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो, मतलब भाई जब बाबू भैया बिहार को लेके ये बोला था कि बिहार में आजकल मर्डर वर्डर ये वो गुंडा वुंडा बहुत हो गया है, तो भाई उस टाइम तुम कहाँ थे? और जत प्रभजोत भी आया था तो उनका भी कुछ इसी तरीके का माइंड था, तो उनका भी माइंड सेट हमने चेंज किया, वो चीज़ हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। उनको ये भी बोले कि भाई बिहार से भी आपको बहुत लोग देखते हैं। भाई मैं आपको ये बता दूं कि मैं वही हूं कि मतलब जो बाबू भैया को यहाँ पर स्टे करवाए थे अपने सिटी में फॉरबिसगंज में, और मेरा मोटिव उनको रोकने का बस यही था, मेरा और मेरे भाई का और हमारे टीम का, कि भाई बिहार को लेकर जो नेगेटिविटी है, मतलब बाबू भैया अपने एक वीडियो में बोले थे कि मतलब जब से ये चेंज हुआ है नेता वेता तो ऐसा वैसा होने लग गया, मतलब मर्डर वर्डर होने लग गया है। तो हमारा मतलब ये था कि बाबू भैया को ये कहना कि भाई बिहार से भी आपको बहुत प्यार करते हैं, बिहार में अब वैसा नहीं रहा यार, बिहार में सब लोग पढ़े लिखे हैं। और चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मैं जत प्रभजोत और बाबू भैया पे उछलता हूँ, तो कहीं ना कहीं भाई बिहार को लेके जो गंदगी था ना भाई, वो चीज़ हम उनके अंदर से दूर किए। अगर आप चाहो ना भाई तो आप मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हो, बाबू भैया को जब हम यहाँ रुकवाए थे और उनको यहाँ पर स्टे करवाए थे, और उनको जब स्टे करवाए थे ना भाई, एक रुपया का भी खर्च उनको होने नहीं दिया था, सारा चीज स्पॉन्सर था भाई, सारा चीज स्पॉन्सर था, उनका एक रुपया भी खर्च होने नहीं दिए। क्यों? क्योंकि भाई बिहार को लेके ना उनके अंदर थोड़ा गंदगी था कि बिहार ये वो भी चीज कहीं ना कहीं दूर हुआ है। बिहार को लेके उन्होंने ये भी बोला था कि बिहार का खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उस दिन बाबू भैया को ऐसा खाना हम लोग खिलवाए थे ना कि उनका माइंडसेट जो था ना बिहार को लेकर वो बिल्कुल चेंज हो गया। और बाबू भैया अपने वीडियो में भी बोले कि भाई बिहार को लेकर जो मेरा माइंडसेट था ना
वो मेरा वो चेंज हो गया, बिहार से भी काफी लोग देखते हैं। और रही बात उछलने की भाई, रात भर बिना खाए पिए, जब बाबू भैया को यहाँ रोके थे ना भाई, रात भर बिना खाए पिए उनको स्कॉर्ट कर रहे थे। मेरा भाई इतना ज्यादा डिहाइड्रेट हो गया था, मतलब रात भर जगे और दोपहर तक वहां पे उनको स्कॉर्ट किए, और मेरा भाई इतना डिहाइड्रेट हो गया था ना कि उसको भाई उल्टियां होने लग गया था, सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए, कि बिहार को लेके जो गंदगी है ना भाई वो निकाल के रहना। हम लोगों ने भाई बिहार को लेके जो गंदगी था ना वो चीज हम लोगों ने निकाला भी। बाबू भैया खुद यह बात बोले कि भाई बिहार को लेके वैसा माइंड सेट नहीं रहा, बिहार के लोग काफी अच्छे हैं। बाकी तुम्हारा भाई जो है ना भाई, जब भी बिहार में जत प्रभजोत और बाबू भैया आएंगे ना, तो सबसे पहले भाई अगर बिहार में मीटअप हुआ ना, सबसे पहले हम पहुंचेंगे उनको एस्कॉर्ट के ना भाई, उनके कांटेक्ट में भी आए। ऐसा नहीं है कि हम उनके वीडियो के लिए या अपने फायदे के लिए, एक पल को हम कैप्चर करना चाहते थे कि चलो बाबू भैया से मिले, तो ये चीज को कैप्चर कर लेते हैं। बाकी मेरा कोई मोटिव नहीं है कि बाबू भैया को लेके हमको मतलब व्यू कमाना है, बाबू भैया को लेके कूदना है, खुद का ऑडियंस नहीं है। मुझे जितना लोग देखते ना भाई, हम उतने में ही खुश है। और जितना भी लोग मुझे देखते हैं ना भाई, मैं जानता हूँ कि वो लोग काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग मेरे साथ बन गया है। अगर आप अप्रिशिएट करते हो मेरी मेहनत को, आपको लगता है कि हम बहुत मेहनत करते हो, तो भाई आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी हेटर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई, कुछ भी नहीं कर सकते। हेटर्स जो होते हैं ना भाई, उनको अगर आप दिल भी निकाल के दे दोगे ना, वो आपको हेट ही करेंगे, क्योंकि उनका काम होता है चलना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझ में खुद को कमजोर पा रहे हैं, इसीलिए वो हेट करते हैं। बाकी अपना जो 4000 का सब्सक्राइबर है ना भाई, ये हमारा फैमिली है भाई, हम 4000 सब्सक्राइबर में ही खुश है। बाकी आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये 4 लाख हो जाएगा भाई, और ये हेटर्स जो है ना भाई वो देखते रह जाएंगे। मतलब अभी मैं क्या ही बोलूं, उन लोगों का अभी मतलब जीना हराम हो गया भाई, हेटर्स का जो है ना अभी जीना हराम हो गया। जब आपका भाई का 400 और के लग जाएगा ना भाई, पता नहीं मतलब सुसाइड ना कर ले, तो क्या ही कर सकते हैं। फिलहाल उन लोगों को भी ऊपर वाला खुश रखे भाई, अच्छा है भाई, हेट करो कोई दिक्कत नहीं है। कैसा लगा वीडियो भाई, कमेंट लाइक शेयर जरूर करना, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, तो फिर बाय बाय।